यहाँ पे ये वाला पार्ट और यहाँ पे पिंपल्स होते हैं, इट मीन्स कि आपको कोई चीज से रिएक्शन हुआ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो के टाइटल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस पे है। यस गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश का रिव्यू। यस आई नो आई एम वेरी लेट फॉर दिस रिव्यू। इसको मार्केट में आए हुए बहुत टाइम हो गया है प्रोडक्ट को, लेकिन मैंने इसको अभी यूज़ किया है। मंगवा मैंने बहुत टाइम पहले से लिया था, लेकिन इसको यूज़ करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। मतलब ये समझ लो कि और भी प्रोडक्ट्स थे, उन पे रिव्यू देना था यूज़ करके, तो इसका थोड़ा सा लेट टाइम आया है। बट यस, मैंने इसको 10 दिन तक यूज़ किया है, इवनिंग में और मॉर्निंग में। उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ नॉट ए स्पॉन्सर वीडियो। ये कोई ब्रांड ने मुझे प्रोडक्ट्स नहीं भेजे हैं, मैंने अपने पैसे देके ही सारे प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं और उसके बाद यूज़ करके मैं आप लोगों के सामने रिव्यू कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कल प्रोडक्ट आया और आज ही मैं उठा के उसका रिव्यू कर देती हूँ। मैं हर चीज़ का रिव्यू अपने एक 8 to 10 days या 15 days यूज़ करने के बाद ही देती हूँ। सो यस गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ नॉट ए फेस वॉश, दिस इज़ ए स्क्रब वॉश। मतलब कि इसके अंदर कुछ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो आपकी स्किन को अच्छे से डीप क्लिनजिंग करते हैं, आपके डेड स्किन को हटाते हैं। नॉर्मल जो फेस वॉश आते हैं वैसा नहीं है कि उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है या बहुत ही सॉफ्ट सब प्रोडक्ट है, इसमें थोड़े से पार्टिकल्स रहते हैं। तो दिस इज़ अ स्क्रब वॉश, तो जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, पिंपल्स हैं, उन स्किन वालों के लिए कैसा रहेगा या ऑयली स्किन वालों के लिए कैसा रहेगा प्रोडक्ट, वो मैं अच्छे से आपको डिटेल में बताऊंगी। सो यस गाइज, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू। सो गाइज, ये है मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश विद टर्मरिक एंड सेफ्रॉन फॉर टैन रिमूवल। ये SLS फ्री प्रोडक्ट है, पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है, हाइपो एलर्जेनिक है और सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप है। क्वांटिटी है इसकी 100 ml एंड ये आपको इस तरह की एक नोजल ट्यूब में मिलता है। एंड प्राइस इज 249 rupees एंड शेल्फ लाइफ है इसकी 2 years। बाकी इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, एज यू कैन सी बहुत सारे ऑयल्स है, लाइक ऑरेंज ऑयल, कोकोनट ऑयल, वॉलनट बीट्स, सेफ्रन एक्सट्रैक्ट, रिलियंग लंग ऑयल। तो ये सी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना है जो आपकी स्किन को रिपेयर करता है, सन डैमेज को रिपेयर करता है और आपकी स्किन को लाइटन अप करता है। सो यस, ये इस तरह से एक ट्यूब पैकेजिंग में है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ, तो यू कैन सी द कंसिस्टेंसी, बहुत थिक कंसिस्टेंसी में आता है ये। आई डोंट नो ये इस तरह से क्यों अलग अलग सा हो रहा है, आप देख सकते हो ऑयल कहीं पे जा रहा है और इसका जो बाकी का जो इसके इंग्रेडिएंट्स है वो कहीं और मिक्स हो रहा है। गाइस, आप सोचोगे कि शायद मैंने इसको शेक नहीं किया है इसीलिए इस कंसिस्टेंसी में आया है, लेकिन मैंने जब इसको यूज़ किया था तब भी ये इसी टाइप में निकला था बाहर। तो मुझे एक बार का लगा कि शायद एक्सपायर हो गया है, लेकिन जब इसकी एक्सपायरी डेट देखी तो 21 तक चलने वाला है। सो यू कैन सी द एक्सपायरी, ये June 21 तक रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी हो गया इसीलिए हो गया, बट आई डोंट नो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से क्यों आई है। लेकिन चलो मैं आपको शेक करके दिखा देती हूँ, आपको लगा होगा कि शायद मैंने शेक नहीं किया है अच्छे से, तो इसको अच्छे से शेक किया है मैंने। और अभी हम जब इसको फिर से प्रोडक्ट निकालेंगे तो भी आपको वो इसी फॉर्म में नज़र आएगा। यू कैन सी, पता नहीं है इतना सा फटाफटा सा क्यों प्रोडक्ट्स आ रहा है, आई डोंट नो, लेट्स सी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये रब करने के बाद आपको किस तरह से शो होगा। तो आपको अच्छे से अपने फेस पे रब कर लेना है इस तरह से। तो इसके अंदर आपको कुछ कुछ पार्टिकल्स नज़र आएंगे, आई थिंक वीडियो में आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन यस इसमें थोड़े से पार्टिकल्स हैं। तो ये आपका स्क्रब का वर्क भी करता है, बहुत माइल्ड स्क्रब आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत हार्श पार्टिकल्स नहीं है तो आपकी स्किन को ऐसा कोई डैमेज नहीं करेंगे, बहुत ही नॉर्मल से पार्टिकल्स है। यू कैन सी ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं सारे पार्टिकल्स है इसके। सो यस, एज सच बहुत सारे फैदर नहीं आते हैं, नॉर्मल फेस वॉश की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। यस, इसमें पार्टिकल्स है तो एज ए स्क्रब भी आपका यूज़ हो सकता है। समर्स में आपको कुछ फेस वॉश ऐसा ही चाहिए जो थोड़ा सा पार्टिकल्स रहे, आपकी स्किन को अच्छे से डीप क्लीन कर दे। सो यस, ये है इसकी ओवरऑल पैकेजिंग की बात। सो गाइज, जैसे कि प्रोडक्ट डिटेल आप लोगों ने देख ली है, इसकी कंसिस्टेंसी आप लोगों को पता चल गई है, अब मैं बात करती हूँ कि इसने क्या इफेक्ट दिया है मेरे फेस पे। सो गाइज, एज सच कोई भी इफेक्ट मुझे नज़र नहीं आया, जैसा ये नाम से है उपटन। यस, इसको लगाने के बाद जब हम इसको वॉश करते हैं अपने फेस पे, तो जब एकदम वॉश करके आते हैं तो हमारा फेस हमको बहुत क्लीन लगता है, ब्राइट भी लगता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन लगता है गोरे हो गए हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है, 5 to 10 minutes तक आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद में आपका फेस एकदम नॉर्मल हो जाएगा। और जब हम इसको वॉश करते हैं ना, तो
मतलब बहुत स्टिकी स्टिकी लगता है फेस, ऐसा नहीं है कि ऑयली लग रहा है, लेकिन होता है ना कोई चीज़, जैसे हम कोई ग्रीस लगती है गाड़ी पे, उस ग्रीस को जब हम अपने कहीं पे लग जाती है बॉडी पे और उसको जब हम वॉश करते हैं तो हमारी स्किन पे एक अलग सा स्टिकीनेस रह जाती है, वैसा ही इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद लगता है आपके गाल एकदम, आपको ऐसा फील होगा कि बहुत स्टिकी स्टिकी लग रहे हैं, लेकिन जैसा आप टॉवल से अपना फेस ड्राई कर लोगे उसके बाद आपका फेस नॉर्मल हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसको वॉश करने के बाद फेस बहुत अजीब सा लगता है, ना ऑयली लगता है ना ड्राई लगता है, बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है। गाइस ट्रस्ट मी, जब मैंने इसको यूज़ किया था मेरे फेस पे एक भी पिंपल नहीं था, और जैसे ही मैंने इसको यूज़ किया मेरे चिक्स पे और यहाँ पे चिन एरिया पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए। क्लिप ऐड करती हूँ कि जब मैंने इसको 3 दिन बाद यूज़ किया और 10 डेज बाद यूज़ किया तो मेरे स्किन पे क्या इफेक्ट नज़र आया वो मैं पहले आपको शो कर देती हूँ। सो गाइज ये है डे 3 इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद, और आप देख सकते हो मेरे चिन पे कितना बड़ा पिंपल हुआ है। डे 1 को यूज़ किया था मैंने, उसके बाद ही मुझे ऐसा फील हुआ था, और डे 3 तक तो ये बहुत बड़ा पिंपल हो गया है। ये वाले चिक पे नहीं है अभी, ओनली मेरे चिन पे ही पिंपल्स नज़र आ रहे हैं, फॉरहेड वगैरह पे नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड वाले गाल पे है। तो अभी मैं थोड़ा सा यूज़ करती हूँ इसको, उसके बाद देखती हूँ क्या रिजल्ट आता है। सो गाइज आप देख सकते हो मुझे 10 डेज हो गए हैं इस फेस वॉश को यूज़ करते हुए, और आप देखो मेरे यहाँ पे आपको नज़र आएगा, मैं कैमरा पास में लेती हूँ, यहाँ पे यह है ये वाला पार्ट और यहाँ पे चिन वगैरह पे, तो जो जितना भी चिक्स और चिन वाला एरिया है ना यहाँ पे मुझे बहुत सारे पिंपल्स हुए हैं, छोटे छोटे से दाने हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा फेस ही एलर्जी रिएक्शन टाइप में हो गया है, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है मेरा यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद। तो उससे पहले मैं जो फेस वॉश यूज़ करी थी तब मेरा ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी हम इसको वॉश करते हैं ना तो बहुत अजीब सा हो जाता है आपका फेस, तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एटलीस्ट इसको 10 डेज देने चाहिए, उसके बाद ही हम इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। सो गाइज मुझे नहीं लगा कि इसने मेरे स्किन पे कुछ एज सच वर्क किया है, इनफैक्ट मुझे और ज़्यादा पिंपल्स और ये सब ऐसा हो गया है। लेट्स सी। सो गाइज अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, एक्ने प्रॉन स्किन है, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, लेकिन यस अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, पिंपल्स वाली प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, इतना बुरा प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन यस एज सच कोई रिजल्ट नहीं देता है। नॉर्मल जो फेस वॉश होते हैं, हम फेस वॉश करते हैं क्लियर लगता है, थोड़ी देर बाद वापस से ऑयल आ जाता है फेस पे, सेम वैसा ही वर्क करता है, तो मुझे एज सच कुछ इसका रिजल्ट भी नहीं मिला और साथ में मेरे पिंपल्स भी हो गए हैं। अभी मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया है, लास्ट 5 to 7 डेज हो गए मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, अभी मेरी स्किन नॉर्मल हो गई है, लेकिन यस यहाँ पे जो पिंपल्स थे वो छोटे छोटे से निशान है अभी, बाकी नॉर्मल सी हो गई है मेरी स्किन, मैं अभी इस प्रोडक्ट को नहीं यूज़ कर रही हूँ। ऑयली स्किन वालों के लिए भी एज सच कोई भी रिजल्ट नहीं देता है कि आपकी स्किन पे 5 से 6 घंटे तक ऑयल नहीं आएगा, मैंने इसको समर्स में ही यूज़ किया है अभी, तो समर्स में ऑयली स्किन वालों के लिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप विंटर्स में यूज़ करोगे तो मे बी शायद थोड़ा सा आपकी स्किन को ऑयल नहीं आएगा, क्योंकि विंटर्स में थोड़ा सा मतलब वेदर पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आपकी स्किन कैसी है, तो समर्स के लिए ऑयली स्किन वालों के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन यस अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, और एक्ने वाली स्किन के लिए भी मैं नहीं बोलूंगी कि आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यस ये एकदम पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है, SLS फ्री प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसको यूज़ करने के बाद जब इसको वॉश करते हैं ना तो अलग सी फीलिंग आ रही है, फील ही नहीं हो रहा है कि हमने बहुत नेचुरल से कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है, लग रहा है कि यस कुछ केमिकल डाले हैं, क्योंकि जब हम इसको वॉश करते हैं ना तो स्किन बहुत अलग सी लगती है, वो आपने क्लिप में देखी होगी कि कैसा हमारी स्किन एकदम स्टिकी स्टिकी लगती है। सो गाइज मैं इस प्रोडक्ट को फिर से रीपर्चेज नहीं करने वाली हूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था इसका, इवन मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं, मेरी चिन एरिया पे, मेरे चिक एरिया पे, तो जब भी आपके मतलब फॉरहेड पे नहीं होगे इधर और इधर पिंपल्स होते हैं, इट मीन्स कि आपको कोई चीज़ से रिएक्शन हुआ है, कोई चीज़ आपके चेहरे पे सूट नहीं कर रही है। अगर आपके फॉरहेड पे और यहाँ पे पिंपल्स होते हैं इट मीन्स कि वो आपके हॉर्मोन्स के कारण या आपके खाने पीने के कारण हुआ है। सो गाइज मुझे ऐसा फील हुआ कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद ही मेरे चेहरे पे पिंपल्स आना शुरू हुए थे, नाउ मैं अभी इस प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं यूज़ कर रही हूँ, और अभी मुझे अपना फेस नॉर्मल लग रहा है, मतलब इतना नहीं लग रहा है कि मेरे फेस पे बहुत सारे दाने हो रहे हैं या पिंपल्स हो रहे हैं, यू कैन सी।
तो जो पहले वाले पिंपल्स थे वो अभी ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं, 5 से 7 दिन हो गए हैं मैं इस प्रोडक्ट को नहीं यूज कर रही हूँ अभी। सो गाइज, ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट मामा अर्थ उपटन फेस वॉश। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा है, अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, मैं फॉर श्योर आपको रिप्लाई करूंगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।